जिस तरह कोरोना वायरस की सेकंड लेयर चल रही है, लोग बड़े परेशान हैं। 45 से ऊपर वाले जो वैक्सीनेशन थी वो उसका काम तो बड़ी तेज़ी के साथ हो गया। लगभग जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आंकड़े हैं 98% से ऊपर जम्मू डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो गया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो, उसके लिए भी हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग जो डिस्ट्रिक्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं जहाँ हमारे जो सोशल वर्कर हैं जो वो भी उस काम के लिए लगे हुए हैं ताकि हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 100% कर पाए। लेकिन ये जो 1844 तक थे जो लोग थे उनको भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, स्लॉट नहीं बुक हो रहे थे। पहले थोड़ी वैक्सीन की शॉट हो गई, उसके बाद अब वैक्सीनेशन आ गई हमारे पास वैक्सीन, और आज भी वो से लोग बार बार यही प्रश्न पूछते थे। और जम्मू शहर अर्बन में जो है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र है, इसके लिए लग से सेंटर बना दिए गए हैं। खासकर जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं या उनका स्टाफ है, उनके लिए शहर में 5 सेंटर इन्होंने बना दिए हैं। एक भक्तिनगर में बना दिया है, एक तालाब फ्रीका में बना दिया है, एक मोरख मंडी डिवीजन में बना दिया है, एक यहीं रूपनगर में बना दिया है, एक और बना दिया है, ताकि इनके जो हमारे चाहे वो दुकानदार भाई हैं चाहे उनका स्टाफ है, उनको कहीं स्लॉट मिले ना मिले उनके लिए ये भी फ्रंट रनर में आते हैं। ये भी हमारे वही लोग हैं जिनके पास लोग आ रहे हैं और जो लोगों के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं स्प्रेडिंग होती है। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरा सहयोग करेंगे इन लोगों को ताकि जल्द से जल्द इसको हम जो हमारी इकॉनमी है, इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। हम इसको और अगर 3-4 घंटे के लिए खोल रहे हैं कुछ एरिया या कुछ दुकानें या मंडियाँ, उनको और ज़्यादा हम लोग खोल सकें ताकि हमारा जो लेबर तबका है, खासकर एम्प्लॉइज़ हैं जो, उनको भी राहत मिल सके। या जो हमारे दुकानदार भाई हैं, मैं भी एक दुकानदार हूँ, मुझे पता है जब कुछ भी हम लोगों के जब ट्रांसैक्शन होगी, भले ही हम कमाई नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं करेंगे, अगर अपने आप कैपिटल ही खाएंगे तब भी एक हमारा गुजारा चलेगा। इसलिए ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, LG साहब का भी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को काम हमें दिया गया है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया में जितने भी बाज़ार हैं, जितने व्यापारी हैं, उसको हम पूरी सपोर्ट करके जल्द से जल्द इस काम को करवाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं इन सेंटरों में। जो हमारे कोई प्लम्बर हैं, कोई इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो और ऐसे काम करते हैं, उनको भी ये काम दिया गया है। और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके पास भी जो दिव्यांग हैं हमारे, उनके लिए भी 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक जहाँ हमारी जो पेंशन होल्डर, जो विडोज़ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो सोशल वेलफेयर से पेंशन वगैरह लेते हैं, उनके लिए भी एक सेंटर GB पंत हॉस्पिटल सतवारी में, एक जो हमारे PSC वहाँ शास्त्री नगर में है, उनके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको देख रहा है। पर आज की डेट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सिटी का वो भी हमारे पास है, इसलिए उसको भी हम ऑनरेबल, मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ आज ऑनरेबल का हमारे डिप्टी मेयर भी साथ हैं, हमारी कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारी हेल्थ ऑफिसर, और हम 75 के 75 कॉरपोरेटर जो हैं, हम इस सब काम को जहाँ जहाँ हमारी विडोज होंगी, सीनियर सिटीजन होंगी जो पेंशन लेते हैं, उनके भी इस सब काम को जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन करवा सकें और इस कोरोना से हम निजात पा सकें। इसलिए जो काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है, इसको बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम सब मिलकर इस काम को आगे करेंगे और आगे बढ़ाएंगे।